फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे मेरे ख्याल से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे सेम 3 के, जो कि अभी अभी खत्म हुए हैं एक दिन पहले, और इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था रेगुलरली। और मुझे क्या होता है कि एग्जाम पर फोकस करना होता है या फिर वीडियो बनाने पर, तो मेरे ख्याल से तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरे एग्जाम है सबसे पहले, तो मैंने उसको प्रायोरिटी दी और पहले मेरे एग्जाम्स खत्म किए और फिर वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। तो मुझे माफ करिएगा क्योंकि मैंने आपको टाइम पर कंटेंट नहीं दिया, लेकिन आपको अब सारा जो कंटेंट होगा वो आपको फ्रीली मैं शूट करके सब कुछ, मेरा जो ये टाइम वेस्ट हुआ है वो मैं अब कवर कर लूंगा। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे ऊपर, मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए और शेयर करते रहिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्या यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए और वॉच टाइम को भी बढ़ाइए। सो प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को आज हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी का एक मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट, जो कि है रियलमी का एक स्मार्टफोन जो कि मोस्ट अवेटेड है, और इसके जो स्टॉक्स हैं सारे वो भी खाली हो जाते हैं जल्दी से, जो कि है रियलमी का 7 प्रो। इसके दो वेरिएंट अवेलेबल है हमें, जो ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है और ऑफलाइन भी स्टोर्स में अवेलेबल है रियलमी के, जो कि दो वेरिएंट होते हैं 6128 और 8128। जो 6128 आता है वो आता है 20,000 का, और जो 8128 आता है वो आता है 23,000 का। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स एक हद तक तो अच्छे ही हैं, और दोनों के जो रिव्यूज हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन पहले हम हमारा ओपिनियन देखते हैं और फिर दूसरों का देखते हैं। तो पहले हमारा ओपिनियन हम जान लेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन के ऊपर ओपिनियन देने वाले हैं कि ये स्मार्टफोन 20,000 का अगर आपका बजट है तो ये लेने लायक है या फिर नहीं, तो ये आज हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से इस स्मार्टफोन को अनबॉक्स कर लेते हैं और जान लेते हैं इसकी सारी हकीकत। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वैग में सल भाई यहाँ पर पकड़े हुए हैं रियलमी 7 प्रो। तो 7 प्रो या वैसी हमारी यहाँ पर फील तो आ ही रही है, यहाँ पर पूरे रूम में यहाँ पर स्वैग फैला हुआ है 7 प्रो का। और यहाँ पर हम पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हाईलाइटेड है मेंशन, जो यहाँ पर जो फीचर है हाईलाइटेड, और पीछे की तरफ यहाँ पर कलर भी लिखा हुआ है मिरर ब्लू, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बॉक्स के ऊपर भी ब्लू ब्लू हो चुका है। और इसको जब हम खोलते हैं तो स्वैग वाली वाइब आती है, सल्लो बाय वाली, और यहाँ पर लिखा हुआ है हे वेलकम टू रियलमी फैमिली। और यहाँ पर इसको हम साइड में रख लेते हैं और सबसे पहले तो हम हमारे स्मार्टफोन का स्वागत करते हैं, और चार्जर भी निकल कर आ चुका है हमारे पास, और इस स्मार्टफोन को सबसे पहले तो हम रैपिंग से बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो येलो लाइनिंग, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो कारीगरी दिखाई है ना, ये येलो है या गोल्डन यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे तो गोल्डन ही लग रही है। तो सबसे पहले तो हम फिंगरप्रिंट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो यहाँ पर है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो हम देख लेते हैं। तो कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिल जाता है मिरर ब्लू कलर, और इसका जो मैट फिनिशिंग का जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पीछे का जो कलर है ना वो एकदम मैट फिनिश वाला है, और ये जो कलर है वो ग्लॉसी है बहुत ही। और यहाँ पर अगर हम दूसरी चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कोई ग्लास बैक देखने को नहीं मिलेगा, और इसके अलावा अगर हम इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो हमें देखने को मिल जाती है, आपको इसमें कोई नोटिफिकेशन लाइट तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन के अलावा आप इसको अगर हम इग्नोर करें तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कभी कहीं छुआ भी नहीं है ये फोन पहले, तो देखिए आप मैं बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर मेरा फेस इसके सामने आ जाता है तो यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट का जो ऑलरेडी आ जाता है साइन, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और पहले ही ये ऑन हो जाता है। तो ये एक फास्ट अनलॉक सिस्टम हमें इसमें रियलमी ने दिया हुआ है। और इसके अलावा इसके फेस अनलॉक की अगर हम बात करें तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसके सामने देख लेता हूँ, तो आप अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर फेस अनलॉक हो जाता है। और इसके अलावा हमें इसमें जो
फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो वेट है वो है 185 ग्राम्स, और इसके हिसाब से ये जो इसका वेट है ना, इसकी बैटरी के हिसाब से तो इसका वेट बहुत ही कम है। और इसमें आपको 89 mm की थिकनेस के साथ ये आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बैग तो देखने को मिल ही जाता है, और ड्यूअल बैंड 4G के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। तो अभी इसका जो एरोप्लेन मोड हम हटाते हैं, तो इसमें आपको ड्यूअल बैंड 4G देखने को मिल जाता है। दोनों ही सिम कार्ड आपके 4G पर वर्क करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको इसमें कोई बैंड चाइनीज ऐप भी देखने को नहीं मिलती है। आप अगर स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी चाइनीज ऐप देखने को नहीं मिलेगी, एक भी चाइनीज ऐप नहीं है। और उसके बाद अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो आपको इसमें रियलमी UI देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम क्लीन वर्क करता है, एकदम क्लीनली ही वर्क करता है। इसमें अगर आप अबाउट फोन के सेक्शन में जाकर देखते हैं तो ये क्लियरली इसमें रियलमी UI वर्जन 1.0 चल रहा है, और अभी अपडेट आएगा तो रियलमी UI 2 भी आ सकता है इसमें। और रियलमी जल्दी ही अपडेट पुश करता है अपने सारे ही नए डिवाइसेस में। और इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो आपको इसमें GPS नेविक का सिस्टम देखने को मिल जाता है, मतलब कि आपको इंडियन GPS सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप GPS में जाकर चेक करेंगे यहाँ पर तो इसमें आपको नेविक सिस्टम देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें आपको स्टोरेज सपोर्ट UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब कि अगर आप फोन को ऑफ भी कर देते हैं तो भी आपको इसमें ये जो सेंसर है इसकी वजह से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी मजा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें कोई नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, तो उसको आप इग्नोर करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरफ आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जिसका एक फायदा ये हो जाता है कि अगर आप कोई मीडिया कंजप्शन करते हैं तो आप जैसे कि ड्यूअल स्पीकर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से जो इसमें जो आवाज आती है वो बहुत ही अच्छे से गूंज गूंज के आती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर माइक पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो आवाज़ आ रही होगी। तो ड्यूअल स्पीकर की वजह से आपको इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, और इसकी वजह से ये जो क्वालिटी होती है म्यूज़िक और वीडियो की, दोनों ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। और अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसके अलावा आपको इसमें देखने को मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। अगर आप इसको इसके अलावा ईयरफोन्स लगाकर सुनते हैं तो आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस जो है वो यहाँ पर है ऑलरेडी, और इसको अगर आप ईयरफोन्स के साथ यूज़ करते हैं तो म्यूज़िक की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, 70% तक इम्प्रूव हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम इसमें दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको नीचे की तरफ जो सेकेंडरी माइक होल भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है, और इसका जो टच सैंपल रेट है वो आपको इसमें 180 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। हालांकि इतना टच सैंपल रेट किसी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अभी ये नए स्मार्टफोन्स हैं जो कि अभी अभी 2020 में लॉन्च हुए थे एंडिंग में, उसी में ये आपको देखने को मिला था। और इसमें आपको 180 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अलावा इसमें आपको रियलमी का जो लैब है तो उसमें आपको स्मूथ स्क्रोलिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपका जो मीडिया कंजप्शन और मल्टीटास्किंग है तो उसको बेटर बनाता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 90.8 का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिलता है 90.8% का, और आउटडोर विजिबिलिटी इसकी बहुत ही कमाल की है। रियलमी 6 प्रो के मुकाबले इसमें आपको आउटडोर विजिबिलिटी जो मिलती है वो काफ़ी काबिले तारीफ है, जो कि रियलमी ने इम्प्रूव की है डे बाय डे। और यहाँ पर आपको इसमें जो प्रोसेसर है वो तो सेम ही देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रियलमी 6 प्रो में आपको देखने को मिला था।
तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसमें आपको मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अबाउट फोन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 720G ऑक्टा कोर। और इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। यहाँ पर 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर है जो कि आपके फ़ोन को 12 मिनट के अंदर अंदर 50% तक चार्ज कर देता है। और यहाँ पर अगर आप चार्ज करते करते गेम्स भी खेलते हैं तो भी कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि इस फ़ोन में ऐसी सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स इंप्रूव की गई है कि मोबाइल जो फ़ोन होता है हमारा स्मार्टफोन वो ज़रा भी हीट नहीं करता है। चार्जिंग के टाइम पर 50% तो आराम से आपका 18 से 20 मिनट में 50% आराम से आपका हो जाता है चार्ज। और उसके बाद अगर आप 80% के ऊपर अगर आप जाते हो तो उसमें थोड़ा स्पीड लो हो जाती है, और अगर आप गिनने जाओ तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये स्मार्टफोन पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है। और उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ों पर गौर करने जाए तो इसमें आपको जो कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है तो वो मिलता है 64 मेगापिक्सल का, जो कि आपको यहाँ पर सैंपल्स में दिखाऊंगा इसके बाद। तो इसमें आपको सबसे पहला तो जो कैमरा देखने को मिलता है वो मिलता है 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682, और जो कि 4K वीडियो शूट करने की हमें इजाज़त देता है। और उसके बाद जो आता है वो आता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि आपको अच्छी तरह से फोटो क्लिक करने में मदद करता है। और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा, और उसके बाद जो फोर्थ कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जो कि हमारा ज़्यादातर कोई काम में नहीं आता है। और इसके बाद अगर हम इसके कैमरा परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो सेल्फीज़ और सारे जो इसके जो मोड है तो इसकी बात कर लें तो इसमें आपको नॉर्मली आप कितने तक जूम कर सकते हैं तो 20x तक आप इसमें 10x तक ही जूम कर सकते हैं। हालांकि जो जो यहाँ पर 6 प्रो था तो उसमें आप 20x तक जूम कर सकते थे, लेकिन वो फीचर अभी कोई काम का नहीं था हमारे लिए। तो उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपको AI मोड भी देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का, और इसके बाद इसमें आपको नया मूवी मोड भी देखने को मिल जाता है, और गूगल लेंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसके बाद इसमें टाइम लैप्स भी देखने को मिल जाता है, और स्लो मोशन में भी आप इसमें वीडियो शूट कर सकते हैं, और प्रो एक्सपर्ट और पैरानोमा और अल्ट्रा मैक्रो भी आपको देखने को मिल जाता है, और टेक्स्ट स्कैनर भी आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको डेडिकेटेड नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है, और नाइट मोड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रहा जो आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है डेडिकेटेड, और इसमें नाइट वाली जो फोटो आती है वो काफ़ी हद तक अच्छी आती हैं। और उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें आपको वो वीडियो में भी बुके मोड देखने को मिल जाता है, और इसमें अगर आपको वीडियो शूट करना हो तो वीडियो आप इसमें इसमें 120 FPS तक आप इसमें वीडियो शूट कर सकते हैं। और कुछ कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं रियलमी 7 प्रो के, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सारी फोटोज हैं तो इनमें बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग की गई है, और कलर सेचुरेशन भी बहुत ही अच्छा है, क्रोमा बूस्ट भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, और एक एक डिटेलिंग और कलर के मामले में तो ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, और रियलमी ने बखूबी निभाया है इस काम को। और वीडियो में भी आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल में आपको 4K वीडियो शूट करने की छूट मिल जाती है, और स्लो मोशन भी आप इसमें आराम से शूट कर सकते हैं, और कोई भी लैच नहीं है। और फिर अगर आपको वीडियो में आपको सेल्फी मोड में बुके मोड चाहिए तो वो भी आपको इसमें दिया गया है, और डेडिकेटेड नाइट मोड भी दिया गया है। हालांकि मैंने नाइट में कोई पिक्चर क्लिक नहीं की है, लेकिन एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा ही था इसमें। और इसके अलावा अगर दूसरी किसी चीज़ की बात करें तो मैक्रो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर नहीं दे दे तो भी कोई कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैक्रो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, और ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर भी आपको इसमें दिया गया है। तो मेरे ख्याल से तो ऑनेस्टली ये कैमरा बहुत ही अच्छा है रियलमी 7 प्रो का। तो अगर आपको इसमें जो गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने गेम को चलाया हुआ है जो Asphalt 9 है, तो इसका जो कंट्रोल्स भी है वो बहुत ही स्मूथ है। तो यहाँ पर मैं अगर देखने जाऊँ तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्मूथली वर्क कर रही है ये गेम, और इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है रिफ्रेश रेट की वजह से ये गेम आपको इसमें, अगर आप कोई भी गेम जैसे कि फ्री फायर है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, पबजी तो हालांकि नहीं खेल सकते, लेकिन लीगली या इनलीगली आप अगर पबजी खेलते हैं तो यहाँ पर आपको सारे जो है वो हाई डेफिनेशन पर आप इसको खेल सकते हैं। और इसके बाद मैं अगर दूसरी बात करने जाऊँ तो मेरा इसमें जो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस था तो वो बहुत ही अच्छा रहा है। और इसके बाद अगर मैं आपको इसका वीडियो कंजप्शन जो है वो बताने जाऊँ तो इसमें बहुत ही अच्छा रहा है मेरा। और ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेम है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, तो हाई डेफिनेशन पर भी आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर फुल ब्राइटनेस पर मैं ये गेम खेल रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको इसमें इसका मीडिया कंजप्शन अगर आपको बताता हूँ, 4K वीडियोज़ भी आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ़ोन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4K वीडियो है वो यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन में जो लैचेज हैं वो बहुत ही कम है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको थोड़े ज़्यादा चिन्ह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नॉच है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है कि जिसकी वजह से कोई भी मीडिया कंजप्शन आप अगर करते हो तो यहाँ पर आपको कोई इंटरप्शन नहीं होगा। यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर 4K वीडियो जो है वो यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है। यहाँ पर जो बैटरी है वो भी एफिशिएंट यूज़ हो रही है। यहाँ पर पहले जो वीडियो अभी जब मैंने गेमिंग स्टार्ट की थी तो 80% बैटरी थी, और अभी भी वीडियो कंजप्शन जब हो रहा है तब इसकी बैटरी जो है वो 80% है। तो ओवरऑल ये फ़ोन हमारा जो है वो अच्छी बजट की कैटेगरी में आता है, जो कि अगर आपका 20,000 का बजट है तो आप इस स्मार्टफोन को ज़रूर प्रिफर कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन सारी की सारी तरह से ये स्मार्टफोन अच्छा है आपके लिए। कैमरा की बात करें तो कैमरा में भी ये स्मार्टफोन बाकी सारे फ़ोन्स को भी टक्कर दे सकता है, काफ़ी सारे फ़ोन्स को। और उसके बाद अगर हम इसके फोटोज़ की अगर हम बात करें तो सैंपल्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, और इसके जो डिस्प्ले है, ओवरऑल ये स्मार्टफोन पैसा वसूल है। तो इस स्मार्टफोन को अगर आपका बजट 20,000 है तो आप इस स्मार्टफोन को मेरी तरफ से तो आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं, और इस स्मार्टफोन को आपको हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। तो काफ़ी अच्छी डील्स फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो अगर आपको ये स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हैं 20,000 में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अ ग्रेट डे। ओके देन, बाय।